जा रहे हैं दोबारा से छुट्टी लेने। छुट्टी लेने जा रहे हो ना या हॉस्पिटल में सिर्फ दिखाने जा रहे हो? यहाँ पे डाल दिया। क्या है, इनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी इसी वजह से ये अभी यूनिट के हॉस्पिटल जा रहे हैं। मतलब वहाँ पे उनको दिखाएंगे और वो चेक करेंगे, चेक करने के बाद अच्छा रहेगा तो ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, नहीं तो फिर और इनको छुट्टी मिल जाएंगे। 15 दिन की ऑलरेडी छुट्टी मिल गई है क्योंकि किसी की तबीयत ठीक नहीं है घर पर। मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गया है, अभी देखो कितने पतले हो गए ये एकदम अरे कुछ मुंह से बात तो निकालो। बहुत ज्यादा गाड़ी चलाना आएगा ना, मैं आऊँ क्या साथ में नहीं। गाड़ी चलाने हाँ हाँ चलो बाय। डॉक्यूमेंट हाँ, दोबारा से छुट्टी मिल जानी चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट तो भी होगी। मैं लगा लेती हूँ। अरे यहाँ पर काम चल रहा है रोड का, ये देखो यहाँ पर हो गया है काम। और ये देखो पूरा कैसा है, और ये घर यहाँ तक आ गया है ऊपर तक। अच्छा है यार, अभी जल्दी बन जाएगा। ये डुप्लेक्स है ये, एक मिनट। तो चले गए ड्यूटी और इसके बाद मैं आपको यहाँ का ये वाला घर दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा मतलब एकदम क्लोज है घर के, बाजू में ही है एकदम। और अच्छा खासा बन गया है, ऊपर तक आ गया है। मतलब स्लैब कुछ दिनों के बाद स्लैब भी गिर जाएगा इस पर। देखो चलिए अच्छा है। और मेरे घर की हालत ख़राब हो गई है, ये देखिए पूरी साफ़ सफाई करके गई है आंटी। मतलब खाना बनाने के लिए जो आंटी आती है, मतलब मैंने आपसे शेयर नहीं किया बट मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था इसी वजह से खाना बनाने के लिए आंटी को रखा है। तो वो आती है तो इसी वजह से हमें तो खाना तो भी मिल रहा है। यहाँ पर रोटियाँ है, एक्चुअली रोटियाँ ज़्यादा ही बनाने के लिए बोली है, आज दाल चावल नहीं बनाने के लिए बोले मैंने उन्हें। रोटियाँ और कटहल की सब्ज़ी, क्योंकि इनके मुँह का टेस्ट चला गया था तो इसी वजह से ये बोल रहे थे कि कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए बोलना उन्हें। ये दूध है गरम किया हुआ, तो उनके टाइम पे दूध आता है तो वो दूध भी गरम कर देती है बेचारी। और ये रोटियाँ ज़्यादा इसीलिए बनाई है कि क्योंकि दाल चावल आज नहीं बनेगा, और उसके ऊपर से मेरा जो भाई है मतलब मासी का बेटा वो भी आया हुआ है तो इसीलिए उसके लिए भी। और दाल चावल इसीलिए और नहीं बनाया है क्योंकि इसमें है बिरयानी, कल रात को बिरयानी बनाई थी इन्होंने तो वो बिरयानी बची हुई है। और बस देखिए क्लीनिंग वगैरह करके गई है आंटी, अभी अभी गई है। और यहाँ पर सब कुछ कीवी वीवी रखनी पड़ेगी फ्रिज में। ये यार फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स खाते खाते पागल हो गई हूँ मैं, अब इतने फ्रूट्स खाने पड़ रहे हैं बीमारी में। और ये यहाँ पे माही ले रही है ऑनलाइन क्लास, क्योंकि माही के स्कूल तो स्टार्ट हो गई थी बट अभी लॉकडाउन की वजह से और बंद हो गई है तो ऑनलाइन क्लासेस इसीलिए नहीं पढ़ रही है। और अद्विक अभी तक सो के उठा नहीं है, आराम से बादशाह उठा है बहुत लेट। और यहाँ पर देखो कपड़े अभी भी अनपैक नहीं हुआ है कुछ भी, मतलब अनपैकिंग की ही नहीं है मैंने, मेरे में एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी अनपैकिंग करने की। तो यहाँ पर सारे कपड़े ये कपड़े हैं। और आज ना मैं आपको ये वाले कपड़े दिखाऊंगी, ये मैंने न्यू ऑर्डर किए हैं मतलब मामा की शादी के लिए, तो वो कपड़े दिखाऊंगी। कुछ कुर्तीज़ है, कुर्तीज़ ही ऑर्डर की है और साड़ियाँ भी ऑर्डर की है, बस साड़ियाँ देने लेने के लिए ऑर्डर की है तो वो आपको बाद में दिखा दूँगी। ये आपको बता दूँ मामा की शादी है 28 को, और 28 से पहले मतलब 25 वगैरह को हमें जाना होगा यहाँ से। पता नहीं अभी तबीयत ठीक होगी तो जाऊंगी, वरना टाइम पर जाऊंगी क्योंकि 25 को शायद ये है क्या बोलते हैं हल्दी वगैरह है तो इसी वजह से। और मेरा फेस देखो कैसा लग रहा है। तो मामा की शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं, एक्चुअली मामा के एंगेजमेंट का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था तो उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग की है मैंने, बट
वो अभी एक एक करके आ रही है। मैं आज आपको दिखाऊंगी कुछ उसमें से क्या लिया है मैंने मामा की शादी के लिए। कुछ साड़ियाँ भी ऑर्डर की है, कुछ कुर्तीज़ भी ऑर्डर किए थे, तो देने लेने के लिए भी साड़ियाँ ऑर्डर की थी। तो अभी वो पता नहीं यहाँ पर अद्विक उठ गया है, तो चलिए फिर अद्विक का करती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ आपसे। आ गया है भाई पेपर देके, एग्जाम देके, उसके कैसा रहा एग्जाम? हाँ मस्त, मुँह से तो नहीं लग रहा। और अच्छा अच्छा अरे ये क्या क्या लाया है भाई ने? मेरे लिए, मेरी है वो, ये मेरी है, ये आपकी है और ये दीदी की है। हाँ माई को मस्का लगाना चल रहा है यहाँ पे कॉफी के लिए। हाँ ये जब भी यहाँ पे आता है मेरा कॉफी पार्टनर बन जाता है। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से माही को मस्का लगाना चल रहा है। वैसे भी हम लोग माही को ही मस्का लगाते हैं कॉफी के लिए। माही बेचारी नींद आ रही है, सो जाना, पहले कॉफी बना के दो उसके बाद सो जाना। जल्दी उठी वो 7:30 बजे, तो 9 बजे उठी आप? हाँ देखो, अरे ये कितनी बजे उठला? अभी 11 बजे। अभी 11 बजे उठा है ये। क्या वाटे? जाओ माही बना के दे दो ना मामा को कॉफी, और उसके साथ साथ मुझे भी। पिगलू नहीं जाता ना बेटा, यहाँ का जो ये है मैं सब वो भी समेटना है, बट आज एनर्जी नहीं है यार मुझे में। पता नहीं कब ये कॉर्नर क्लीन होगा। सैनिटाइज कर शील, कुठे सैनिटाइज? एक मिनिट, काय झालंय? काय लिंक कशाची पाठवली? टेक्स्ट मेसेज येईल तुम्हाला, ती लिंक ओपन नेक्स्ट टाइम सबमिट करा। हां हां हाँ, माही का जीन्स होगा मिंत्रा। आपका ये वो तुझा तुझा येणार ना लवकरच, येणार तुझा पार्सल जीन्स है ये, बाद में कभी दिखा दूंगी भाई कॉफी। ये आपको माही की शॉपिंग और मेरी शॉपिंग मिंत्रा से जो की हुई है वो बाद में कभी दिखा दूंगी। आप आज इतने दिनों के बाद रेडी हुई हूँ और फ्रेश लग रहा है यार सच में। मतलब फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं कर रही थी, ना तो लिपस्टिक लगा रही थी ना तो कुछ भी नहीं, तो इसी वजह से ना थोड़ा सा डल फील हो रहा था। आज इतने दिनों के बाद रेडी होके अच्छा लग रहा है, तो चलिए मैं आपको मैंने जो शॉपिंग की है वो दिखा देती हूँ एक एक करके। तो ये है मेरी शॉपिंग पूरी जो मैंने ऑर्डर की थी अपने मामा की शादी के लिए। और अगर आपने मामा की इंगेजमेंट का ब्लॉग नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और उसके बाद अभी शादी के ब्लॉग भी आने वाले हैं मामा की शादी के, तो उस टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। बट अभी ठीक नहीं है यार तबीयत, क्या कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा डल फील कर रही हूँ। बट कुछ दिनों के बाद हो जाऊंगी, क्योंकि 25 को आई थिंक जाना है मुझे और 28 को मामा की शादी है, तो आप भी इंजॉय करने वाले हो मामा की शादी के व्लॉग देख के, बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। और प्रॉपर जो गांव की शादी होती है ना वो होगी, तो आपको अच्छा लगने ही वाला है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मैंने कुछ कुछ सेट और कुर्ता सेट और कुछ कुर्तीज ऑर्डर की थी, तो वो मुझे रिसीव हो गई है। कुर्तीज मीन्स एक दो ही कुर्तीज है और कुर्ता सेट है कुछ, तो वो मुझे रिसीव हो गए हैं। और ये है इतने सारे, तो वो मैं एक एक करके आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहला है चिकनकारी का कुर्ता, काफ़ी दिनों से मैं इसका वेट कर रही थी, मतलब कार्ट में डाल के रखा था और मुझे लगा कि इसकी जब प्राइस डाउन हो जाएगी तब मैं इसे ऑर्डर करूँगी। और देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब क्वालिटी वाइज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जॉर्जेट मटेरियल है इसका, नेक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। सब कुछ मैं आपको पहन के दिखा दूंगी, एक एक कुर्ती, जो भी कुर्तीज मैं आपको दिखाऊंगी वो आपको पहन के दिखा दूंगी कैसे लगती है मुझ पर। और काफ़ी दिनों से मेरा मन था ये वाली कुर्ती ऑर्डर करने का, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्यारी है यार ये,
तो ये चिकनकारी की कुर्ती मुझे काफी दिनों से ऑर्डर करनी थी और ये फाइनली मैंने ऑर्डर कर दी और कार्ट में डाल के सारी चीजें रखी थी। जब प्राइस डाउन हो गई ना उस टाइम मैंने ऑर्डर कर दी। अभी सेल चल ही रहा है तो आप ऑर्डर कर सकते हो। तो देखिए बहुत ज्यादा अच्छी है और इसके ऊपर जो भी मतलब थ्रेड वर्क किया हुआ है ना, मतलब क्या बोलते हैं चिकनकारी, ये जो थ्रेड वर्क किया हुआ है तो उस पर आप कोई भी लेगिन पहन सकते हो इसके ऊपर। मतलब जैसे कि आप इसके ऊपर स्ट्रेट पैंट भी पहन सकते हो आप कोई भी कलर का, जैसे येलो कलर का, ग्रीन कलर का और ऑरेंज कलर का, रेड कलर का, कोई भी कलर का आप पहन सकते हो इसके ऊपर। और ब्लैक कलर का भी पहनोगे, एंकल लेंथ लेगिन भी पहनोगे ना ब्लैक कलर का, या स्ट्रेट पैंट भी ब्लैक कलर का पहनोगे तो भी अच्छा लगने वाला है। और इसे आप डेनिम के ऊपर भी पहन सकते हो, डेनिम के ऊपर तो और भी ज्यादा अच्छा लगने वाला है ये। तो ये है फर्स्ट चिकनकारी कुर्ता मेरा और नेक भी काफी ज्यादा प्यारा है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब सी थ्रू है ये कुर्ता और सी थ्रू ही इसकी जो डिजाइन है वो वैसे ही होती है। जैसे आप ऐसे ही पहनोगे तो बहुत ज्यादा अच्छे लगने वाले हो, सी थ्रू ही अच्छा लगता है ये। तो इसके नीचे अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो इनर पहन सकते हो, मतलब इनर मीन्स जो लॉन्ग वाला है, और अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप शॉर्ट वाला भी इनर पहन सकते हो इसके ऊपर। तो ये है मेरा फर्स्ट कुर्ता। सेकंड मैंने ऑर्डर किया है, इस बार मैंने ब्लैक ज्यादा ऑर्डर किए हैं। तो आप सभी को पता है यार ब्लैक मेरा फेवरेट है, एनी टाइम फेवरेट है मेरा ब्लैक। बट जैसे मैं ना कोई भी कुर्तीज या कुछ भी देखती हूँ ना तो मुझे ब्लैक ही पसंद आता है उसमें, और ब्लैक मुझ पर अच्छा भी लगता है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये सेकंड कुर्ता सेट है और इसके नीचे स्ट्रेट पैंट आया हुआ है और इसका कपड़ा भी काफी ज्यादा अच्छा है। मतलब इस बार मैंने सारे जॉर्जेट मटेरियल में ऑर्डर किए हैं क्योंकि ना जॉर्जेट मटेरियल में क्या होता है कि हम लोगों को आयनिंग करने का ज्यादा टेंशन नहीं रहता है, इसी वजह से ये मटेरियल कभी भी आप निकालो और कभी भी पहनो तो इसीलिए अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैंने इस बार ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैंने सारे जॉर्जेट मटेरियल में ही ऑर्डर किए हैं। तो ये एक सेट है, यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये ना क्या बोलते हैं गोल्डन फॉइल प्रिंट नहीं है, जो निकलने वाली फॉइल प्रिंट होती है वो नहीं है, ये कपड़ा है। तो इसी वजह से इसका डर नहीं रहेगा कि ये फॉइल प्रिंट निकलेगी या कुछ, तो इसीलिए मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और इसके नीचे पूरा प्लेन है बट अम्ब्रेला है, आप देख सकते हो। और इसकी जो स्लीव्स है वो 3/4 स्लीव्स है, 3/4 में थोड़ी सी बड़ी है बट मतलब ट्रांसपेरेंट है थोड़ी सी, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है ऐसे वाले कपड़े मुझे। तो ये है सेकेंड कुर्ता और इसके नीचे ये स्ट्रेट पैंट मिला है, स्ट्रेट पैंट का कपड़ा भी काफी ज्यादा अच्छा है और सॉफ्ट मटेरियल है इसका भी, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे ये सेकेंड जो कुर्ता है वो भी। और सारे कुर्ते मैं आपको लास्ट में पहन के दिखाऊंगी बट आप पहले देख लीजिए। और थर्ड कुर्ता भी कुछ इस तरह से है ये कुर्ता, इसमें ना काफी सारे डिजाइन मतलब दिखाए थे बट अवेलेबल एक ही था, तो इसी वजह से मुझे ये ऑर्डर करना पड़ा। और ये मैंने ना मेरे साइज एल है, वैसे पहले यम लगती थी, अभी थोड़ा सा वेट गेन कर लिया तो यल हो गई है, बट ये मैंने एक्सेल में ऑर्डर कर दिया क्योंकि यल साइज थी ही नहीं इसमें, तो एक्सेल में ऑर्डर करना पड़ा। तो थोड़ा सा मैं इसे अल्टर करवा लूंगी तो कोई बात नहीं, बट इसका मटेरियल मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और इसका जो डिजाइन है ना बहुत ज्यादा यूनिक है। ये देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं इस तरह से ये क्या बोलते हैं पैच वर्क किया हुआ है और नेक देखिए, नेक भी काफी ज्यादा सुंदर है इसका, तो ग्रीन में डिजाइन की हुई है यहाँ पे और स्लीव्स पे भी डिजाइन है इस तरह से, और आप देख सकते हो नीचे कुछ इस तरह से ये कुर्ता है। काफी ज्यादा प्यारा लगा मुझे ये कुर्ता, मतलब डिजाइनर लुक देता है। और उसके बाद ये आप कोई भी पार्टी हो, फंक्शन हो, उसमें पहन सकते हो, तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो ये कुर्ता मेरा नेक्स्ट है। और फिर मैंने ऑर्डर किया है ये एक प्लाजो है, बहुत ज्यादा घेर है यार इसमें, प्लाजो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसके ऊपर कोई भी कुर्ता आप पहन सकते हो, जैसे कि गोल्डन फॉइल प्रिंट वाले कोई भी कुर्ते होते हैं ना तो वो आप इस पे पहन सकते हो, आपको हाथ लगाने से ही पता चलेगा कि ये क्वालिटी वाला कुछ पहन रहे हो आप। जैसे कि कोई मॉल वॉल में लेते हो ना आप 1500-2000 का, तो उस टाइप का कपड़ा है इसका, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है और घेर भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो इसे भी मैं आपको पहन के दिखा दूंगी। और ये ऑफ वाइट कलर में है, गोल्डन फॉइल प्रिंट है इस पे। आप कोई फंक्शन वगैरह अटेंड कर रहे हो और इस पे कोई गोल्डन फॉइल प्रिंट वाला कुर्ता पहनते हो ना और गोल्डन इयररिंग्स पहन लेते हो, बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। मतलब ज्यादा ज्वेलरी भी पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ गोल्डन इयररिंग्स पहन लो और गोल्डन फॉइल प्रिंट वाला इसके ऊपर कुर्ता पहन लो, बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है।
और नेक्स्ट कुर्ता सेट है मेरा ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब आपको क्या बताओ, मतलब सारे तो अच्छे है ही, बट उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगने वाला है ये कुर्ता सेट मेरा। इसके नीचे प्लाजो है, मतलब प्लाजो में स्ट्रेट पैंट में ही है, तो ये कुछ इस तरह से है। इसके नीचे आपको दिख रहा है ये सिल्वर फॉइल प्रिंट है, और इस तरह से इसका कपड़ा है। कपड़ा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब सॉफ्ट मटेरियल है इसके नीचे वाला, और ऊपर वाला तो देखते ही बनेगा कुर्ता। ये बहुत ज़्यादा अच्छा कुर्ता है यार। जब मुझे रिसीव हुआ था ना ये, तो उसी टाइम मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के इसको पहन के देखा, क्योंकि मैं वेट कर रही थी इसका कि मुझे ये कब रिसीव होगा। और देखो ये इसकी जो स्लीव्स है कुछ इस तरह से है, यहाँ पर फॉइल प्रिंट है, सिल्वर फॉइल प्रिंट है इस पर, और घेर बहुत ज़्यादा है, और नेक कुछ इस तरह से पैक नेक है इसका। मैं पहन के जब दिखाऊंगी ना आपको, तब आपको पता चलेगा। और घेर आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है नाइट फंक्शन के लिए। कोई छोटा मोटा फंक्शन हो या बड़ा भी फंक्शन हो, तो आप इसे पहन सकते हो। आप इसके ऊपर अगर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन लेते हो ना, और भी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है ये। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा ये कुर्ता। और लास्ट कुर्ता सेट मेरा ये है। एक्चुअली ना मेरा, आप देखो थोड़ा सा लूज़ हो रहा है मुझे, ये एल साइज़ में मैंने ऑर्डर किया था, तो थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ही प्यारा लुक देता है, सोबर लुक देता है। और इसके नीचे प्लाजो है, आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर बटन्स है, और सिल्क मटेरियल में है, मतलब जैसे कि वो होता है ना, क्या बोलते हैं इसे, कॉटन सिल्क, हाँ वही बोलते हैं शायद, तो वो मटेरियल है। और ये देखिए आप, इसके नीचे प्लाजो है, तो घेर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका। और इसके नीचे जो प्लाजो है ना, वो भी काफ़ी प्यारा है। इसके नीचे जो ये यहाँ पर गोटा पट्टी लगाई है, आपको दिख रहा है या नहीं पता नहीं, यहाँ पर प्लाजो में गोटा पट्टी लगाई हुई है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है प्लाजो भी इसका। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। थोड़ा सा साइज़ का इशू हुआ है, मतलब एल साइज भी मैंने ऑर्डर किया था, तो थोड़ा सा यहाँ से लूज़ हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं रिटर्न नहीं करने वाली हूँ इसको, ऐसे मैं अल्टर करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा है, नीचे का काफ़ी मतलब कंफर्टेबल है, बट थोड़ा सा ऊपर का ही पता नहीं मैंने वेट लूज़ कर लिया या नहीं, लूज़ तो नहीं किया है, बट इसका पैटर्न ही वैसा है। थोड़ा सा यहाँ से मुझे इसे अल्टर कराना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये कुर्ता। तो मैं आपको सारे कुर्ते पहन के दिखा देती हूँ अभी, कि मुझ पर कैसे लगते हैं। So I said no, 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 it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed down no one to free for champions. I can't. So I said no, 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 it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe. No, 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 it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed down no one to free for champions. आई होप गाइज, मैंने जो भी चीज़ें परचेस की है वो आपको सारी पसंद आई होगी। और अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ परचेस करनी है, जैसे कि कोई भी कुर्ता सेट या कुर्ती परचेस करनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। सेपरेट सेपरेट लिंक भी आपको मिल जाएगा, और माय हॉल स्टोर का एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे, तो ये सारे प्रोडक्ट आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हो। और अभी सेल चल रहा है, तो बहुत कम प्राइस में आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो जल्दी से लिंक को क्लिक करिए और देख लीजिए इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको अगर पसंद आता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना, लाइक ज़रूर कर देना। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ दो और चैनल है मेरे, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा, इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कर लेना। वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे पिक और वीडियोज मैंने अपलोड किए हैं, आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।